सत्वजितं धर्म सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सकल ललिता श्री विशाखनिता ओम ज्ञान कुंजराम ज्ञानांजन शलाकया
Bye.
Krishna Thank you.
Sunday is not good. He gets a flash from the outside. Janatan is there. माधुर्य कादम्बिनी उसमें आठ पृष्ठ बताए, उसमें आठ चैप्टर बताए। इसलिए जो पहला जो चैप्टर में हम लोग श्रवण कर रहे थे, जो भगवान की जो भक्ति है, जैसे भगवान स्वतंत्र है, कहीं भी जैसे भगवान अजन्मा होते हुए भी उन्होंने श्री नंद यशोदा को अपना पिता माता बनाया, वो अजन्मा होते हुए भी दशरथ महाराज और श्री कौशल्या देवी को अपना पिता माता बनाया। जैसे वो कहीं भी भगवान जन्म ले सकते, वो अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, फिर उसी तरह जो भक्ति है वो भी स्वतंत्र है, भक्ति भी स्वतंत्र है, भक्ति है। ये भक्ति कहीं भी, ये भक्ति प्रकट हो सकती है, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। छोटे से छोटी जाति की हृदय में प्रकट हो सकते हैं और उससे बड़े से बड़े व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति प्रकट हो सकती है। जैसे हम देखते हैं हनुमान जी के हृदय में एक बंदर होते हुए भी उसके हृदय में भी प्रकट हो, सबरी छोटे जाति के हृदय में भी भक्ति प्रकट हो गई, प्रहलाद महाराज राक्षस का हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, विभीषण भी राक्षस है इनकी हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। लेकिन ऊंचे से ऊंचे अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब महाराज हैं। तो कोई कहते हैं ना, अरे भक्त लोग तो बड़े दीन ही होते हैं, बड़े गरीब होते हैं, नहीं। भागवत में देखो,
सब जितने सब अपरिश महाराज, प्रहलाद महाराज, भगवत महाराज, भरत महाराज, सब महाराज महाराज, जितने भगवान की भक्त है सबके सब ये महाराज है, राजा नहीं, ये सबके सब श्री महाराज है। इसलिए यदि ये भक्ति छोटे से छोटी व्यक्ति हृदय में प्रकट होता है और बड़े से बड़ी व्यक्ति का हृदय में भी, और बड़े से बड़े ब्राह्मण हृदय में भी भक्ति प्रकट होता है। भक्ति सर्वतंत्र ये स्वतंत्र है, ये इसकी अधीन नहीं। कहीं भी भक्ति प्रकट होकर के तो नीचे से नीचे व्यक्ति की हृदय में जब ये भक्ति प्रकट होती है उनको सबसे ऊंचा बना, सबसे उसको ऊंचा बना देती है भक्ति है। इसलिए जो प्रथम दृष्टि में भक्ति कैसी स्वतंत्रता है, ज्ञान कर्म योग, उसी के लिए कुछ गुण चाहिए तभी आपकी ज्ञान में अधिकार होगा है। पहले आप अंतर हृदय गहरी हृदय को पहले दमन करो फिर जाकर ज्ञान में तुम्हारी अधिकारी है। लेकिन भक्ति में कोई चीज का अधिक कोई गुण की जरूरत नहीं। भक्ति के लिए कोई पहले गुण चाहिए तो भजन करोगे ऐसे नहीं, बस आ गए बैठ गए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस भक्ति हो गया, भजन हो गया। भक्ति के लिए किसी गुण की जरूरत नहीं। नीचे से नीचे बाल्मीकि की जैसे है पहले दस्यु रचना करता उसके हृदय भी पर कोई भक्ति का अधिकार होते अजाम जैसे व्यक्ति गणिता जैसे है वैश्या की हृदय में ये किसी है कहीं भी ये भक्ति प्रकट हो जाती है और हो करके उसको क्या करती है सर्वश्रेष्ठ उसको जगत में सबसे श्रेष्ठ उसको बना देती है भक्ति करने वाले। इसलिए जो प्रथम जो दृष्टि है पहला जो अध्याय में उसमें ये चीज को दिखाया भक्ति स्वतंत्रता है भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है। इसलिए अब उसकी एक द्वितीय दृष्टि में बताया दृष्टि मतलब द्वितीय अध्याय में बताए यहाँ पर बताए यदि एक ग्रंथ में जो द्वैत और अद्वैत इसका मतलब है भगवान है भगवान क्या निराकार ना भगवान क्या साकार है। भगवान अक्सर करके देखो दुनिया में सब संप्रदाय में बहुत निराकार संप्रदाय है निराकार संप्रदाय अब देखना उसमें लाख लाख लोग जाते हैं लाख लाख लोग हैं सत्संग जगह जगह पर सत्संग खुला हुआ है उसमें देखना भगवान भगवान कुछ नहीं मानते ठाकुर ठाकुर पूजा पूजा कुछ नहीं मानते और निराकार 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 यदि ये ग्रंथ ग्रंथ में उन्होंने उस विषय को उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया इसलिए उन्होंने विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने एक और एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम ऐश्वर्य कादम्बिनी वो ग्रंथ तो अभी तक देखने को नहीं मिला लेकिन उन्होंने लिखे थे उन्होंने बताया कि इसी उसी ग्रंथ में मैंने भगवान साकार ना भगवान निराकार हैं भगवान साकार ना निराकार क्योंकि उसी ग्रंथ में हमने सब कुछ वर्णना किया हमने उसी ग्रंथ में सब कुछ वर्णना किया है इसलिए यहाँ पर उन्होंने उस चीज को वर्णना नहीं किया। अब देखो और एक चीज को देखो जिसका नाम नहीं जिसका नाम नहीं उसको क्या बोलेंगे अनाम जिसका नाम नहीं उसको बोलेंगे अनाम जिसका धन नहीं उसको क्या बोलेंगे निर्धन बनेंगे हैं जिसका धन नहीं उसको निर्धन बनेंगे और फिर उसी तरह जिसका रूप नहीं उसको क्या बोलेंगे अरूप अरूप यही चीज को समझो जिसका रूप नहीं उसको क्या बोलेंगे अरूप अरूप इसलिए निराकार नहीं बोलेंगे ये चीज को समझो क्योंकि कहते ना भगवान निराकार है नहीं जिसका रूप नहीं उसको क्या बोलेंगे निराकार नहीं अरूप बोलेंगे जिसका रूप नहीं है फिर उसी तरह यहाँ पर जो भगवान को निराकार बताया फिर ये सब क्यों बताया भगवान क्योंकि कहते ना भगवान तो निराकार जिसका धन नहीं उसको निर्धन जिसका नाम नहीं उसको अनाम और जिसका रूप नहीं उसको अरूप बोलेंगे फिर यहाँ पर निराकार 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 सब मतलब क्या ये चीज को समझनी चाहिए।
कहते निराकार का मतलब ये जो बताए बोले निर्गता प्राकृत आकार जस्मात स्वयं निराकार, मतलब है जिनका रूप है, जिनका तो रूप है, इनका दिव्य रूप है, दिव्य रूप नाम है, इनको गुण है, लीला है, हैं, लेकिन उनको जो निराकार शब्द बताए जिनसे प्राकृत आकार को उनका जो जड़ आकार को जिससे निकाल दिया, इसलिए भगवान है। लेकिन भगवान कैसे है, बोले सचिदानंद रूपाय, भगवान का जो रूप है सचित आनंदमय रूप है, हमारे जैसे नहीं है। हमारा रूप क्या है, इसमें 10 विकार है, जायते जन्म हुए, बढ़ते धीरे धीरे बड़े हैं, अपक्षीयते धीरे 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 क्या हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं ना, छोटे हो रहे, छोटे हो रहे, अपक्षीयते, और लास्ट में ऐसे करते करते लास्ट में खत्म। लेकिन हमारे जैसे भगवान ऐसे नहीं, भगवान नित्य, बोले नवकिश्वर नटवर, हर समय भगवान का रूप नित्य है। नवकिश्वर नटवर मतलब हर समय भगवान का रूप, सारे 14 साल से कभी ज्यादा नहीं होता है। इसलिए देखो कृष्ण 125 साल तक रहे, लेकिन कभी उनका बुढ़ा रूप तो नहीं देखते। भगवान राम 11,000 साल तक राज्य कर दिए, कहीं उनकी बूढ़ा रूप नहीं देखते हो, क्यों, भगवान सत जीव आनंद स्वरूप भगवान, भगवान का कोई प्राकृतिक रूप भगवान की नहीं। उनका जो रूप है दिव्य अप्राकृतिक रूप है, जब श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमाम अजामी, भगवान दिव्य अप्राकृतिक अवलोकित है। इसलिए यदि इन्हीं ग्रंथों में उन्होंने इस सब विषय को विवेचना नहीं की, क्योंकि ये ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा माधुर्य कादम्बिनी, नाम रखा माधुर्य कादम्बिनी, मतलब क्या है, माधुर्य मतलब होता है मधुरता, मीठा है, भगवान कैसे हैं, भगवान पूरा मीठा ही है, माधुर्य मतलब भगवान पूरा मीठा है। इसलिए उनको क्या बताया, रस वैस रसम जवाया लब्धानंद भवती, भगवान पूरा इधर जिधर खाओ ना रसगुल्ला खाए हो कि नहीं, अब जिधर खाओ उधर ही मिठाई मिठाई। इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते हैं बोले अधरंग माधुर पादनंग माधुर नायनंग माधुर असितंग माधुर चारितंग माधुर गामनंग माधुर माधुराधिपते रातिलंग माधुर, भगवान पूरा पूरा भगवान मीठा ही मीठा ही, जिधर था भगवान मीठा है। इसलिए उन्होंने ग्रंथ का नाम रखा माधुर्य कादम्बिनी, कादम्बिनी मतलब क्या, इस आकाश में किसी मेघ छा गया, आप देखना पड़े दिन से जैसे हैं गर्मी 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 पड़ता है, लोग क्या सोचते हैं मानसून कब आएगा, मानसून कब आएगा, अब जो आकाश में मेघ आ जाते हैं लोग खुश होते हैं मानसून आने वाला है, कहीं बारिश आने वाली है। हम भी भगवान को भूल करके अनादि काल से हमारा हृदय सूख गया, हमारा हृदय भी सूख गया, और संसार की तरह तरह का दुख कष्ट से हम एकदम संतप्त हैं। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की जो प्रेम अगर हृदय में बरस जाए ना, बस हृदय हमारी सुशीतल हो जाएगी। जैसे उदाहरण दिया, जैसे मरुभूमि में हैं, मरुभूमि में जैसे वहाँ पर रेगिस्तान सूखा सूखा रहती, जैसे उसमें हम कैसे हैं, हम उसमें एक वृक्ष जैसे खड़े हुए, चारों तरफ में मरुभूमि मरुभूमि हैं, एकदम रेती रेती सूखा सूखा, उसको बीच में जैसे हम एक एक छोटा सा वृक्ष जैसे। लेकिन महाप्रभु का जो कृपा है, महाप्रभु का जो कृपा है क्या है, कि ये माधुर्य कादम्बिनी रूप में आकर के क्या किया हमारे हृदय में, महाप्रभु का कृपा। जैसे बड़ौदा में पड़े हुए आप, बड़ौदा में पड़े हुए मैं कहीं उड़ीसा में पड़ा हुआ, ये भी सब अलग अलग जगह से कहीं पड़े हुए सब, लेकिन महाप्रभु कृपा आकर क्या किया, महाप्रभु कृपा आकर क्या किया, सबको बड़ौदा ने ऐसे उन्होंने बारिश किया, सभी का हृदय को उन्होंने एकदम सभी का हृदय को सरस बना दिया, कृष्ण भक्ति रस में सभी का हृदय को उन्होंने
सरस बना दिया है। कहते अभी द्वितीय पृष्ठ में वो वर्णना करते ही उन्होंने भक्ति को उन्होंने क्या उदाहरण दिया, भक्ति को उन्होंने उदाहरण दिया एक लता जैसे, एक लता जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है। क्योंकि हमें ये समझाने के लिए है, ये समझाने के लिए भक्ति को एक लता को साथ में उदाहरण दिया। अभी वो क्या बोलते हैं हम सुनेंगे। ज्ञान कर्मादि से अमिश्रित इंद्रिय रूप क्षेत्र में आवृत होने वाली शुद्ध भक्ति एक कल्पलता के समान। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया हमारा हृदय कैसे है, जैसे एक खेती है, हृदय जैसे एक जमीन है, है? ये हृदय रूपी खेती में कहते हमारी इंद्रिय में कहते भक्ति मतलब कहाँ आवृत होती है, कहते हमारी ये इंद्रिय में ये भक्ति आवृत होती है। इसलिए वो जो भक्ति है क्या चीज, भक्ति कहते हैं किसको, तो उनके श्री रूप गोस्वामी ने बताए अन्य विलासिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति। भक्ति का उन्होंने डेफिनेशन दिया क्या, भक्ति का कहते अन्याभिलाषिता शून्य। भक्ति अगर करना तो पहले अन्य अभिलाष जगत हृदय में भगवान की भक्ति के सिवाय, भगवान की प्रेम के सिवाय हृदय में और जितने कामना वासना हृदय में है कहते सबके सब अन्याभिलाष। इसलिए भक्ति कहते हैं किसको, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, गुरु वैष्णव कैसे प्रसन्न होंगे, हैं? इसलिए पूरा अपना चेष्टा को उसी में लगा देनी चाहिए, अपना सारे सुख भोग को अपना हृदय में सारी कामना को हृदय से निकाल देनी चाहिए। और वो जो भक्ति है ज्ञान कर्म से अलग होनी चाहिए, ज्ञान कर्म उसमें नहीं रहनी चाहिए, किसी तरह का कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए। तो अगर भक्ति करना तो तभी उसको एक लता को साथ में उन्होंने उदाहरण दिया है। तो उस भक्ति कल्पलता का कोई भाग्यवान मनुष्य ही आश्रय लेता नहीं, वो सौभाग्यवान जीव मधुकर भ्रमर की भांति व्रत धारण कर केवल मकरंद रस का पान करता, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पर बताए वो जो भक्ति लता के लिए बता रहे हैं भैया, उसको कौन आश्रय ग्रहण करता है, साधारण व्यक्ति वो भक्ति को आश्रय ग्रहण नहीं करता है, बड़ी ही सौभाग्यवान। इसलिए जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित और भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता में, ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 भगवान से भूल करके हम 14 ब्रह्मांड 84 लक्ष जन्म भटकते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में गुरु वैष्णव का दर्शन मिलता है, किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए भागवत में बताए बाबा अपवर्ग भ्रमित जाता जनस्य तहिर अच्युत सत समागम, तहिर अच्युत सत समागम सत समागम जहीर पराबरे से जाए कोई रहे। इसमें कह रहे हैं बाबा अपवर्ग भ्रमित जदा जनस्य तहिर अच्युत सत समागम, जीवन में साधु संग कब मिलता है, जीवन में साधु संग तभी मिलता है जब जीवन का सारी दुख घटना हमारी समाप्त हो और संसार में हमें दुख कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा, तभी जीवन में कहीं साधु का दर्शन तभी मिलता है। जहीर सत समागम जब जीवन में साधुओं का दर्शन मिले फिर क्या होगा, कथा सुनते 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 क्या होगा, धीरे 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 हमारी जो रति हमारी जो आसक्ति धीरे 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 भगवान के प्रति धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोग
बड़ों तो कितने सारे लोग हैं, लेकिन कितने लोग आरती में आए, कितने लोग सत्संग में आए, कितने लोग गला में कंठ धारण करते हैं, कितने लोग अपना तिलक लगाते हैं, कितने लोग गौड़ी बटकाते हैं, बहुत विरल है, बहुत विरल है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं किसी सौभाग्यवान हैं, किसी सौभाग्यवान। इसलिए रामायण में बताए देत इस बिनु हेतु सनेही है, इसलिए बड़ी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये भक्ति लता को, किसी सौभाग्यवान व्यक्ति ही ये भक्ति लता को आश्रय ग्रहण करता है, है? और ये कैसे है, उदाहरण दिया एक मधुकर, मधुकर मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करता है, फूल के ऊपर बैठी करके तथा एक मक्खी और एक मधुमक्खी, मक्खी कहाँ बैठता है, गंदी चीज में बैठे, लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठता है, फूलों में बैठता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति को आश्रय ग्रहण करते हैं कि तो मक्खी नहीं वो कौन है, कि तो मधुमक्खी है, हाँ वो मधुमक्खी, आप लोग सब मधुमक्खी है, आप लोग सब मक्खी नहीं, आप लोग सब मधुमक्खी हो, जो कि क्या किया भगवान की भक्ति को आश्रय, इधर उधर नहीं जा करके, इधर उधर नहीं जा करके कुछ भगवत भक्ति रूपी लता को आश्रय ग्रहण किया है। और मधुकर की भक्ति क्या करते हैं, बोले जीवन में भगवत भक्ति को ही अपना जीवन का सर्वस्व मान करके, है सर्वस्व मान करके ये भक्ति मार्ग में चलते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं। कहते मकरंद पान करता है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। कहते मधुमक्खी जैसे केवल फूलों को ऊपर बैठ करके मकरंद पान करता है, भक्त भी इधर उधर मुंह नहीं मारते, इधर उधर मुंह नहीं मारते, कौन किसका चुगली कर रहा है, किसका क्या निंदा कर रहा है, किसका ये कर रहा है, ये सब चीज वो छोड़ करके 24 घंटा में, 24 घंटा क्या करते हैं, उनका नाम, उनका कीर्तन, उनका भजन, उनकी साधन केवल उसी में ही लगे रहते हैं। और कहते उसी प्रकार उन्होंने केवल भक्ति रस का पान करने के लिए भगवत सेवा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के फलों के त्याग का व्रत धारण कर रखा है, वही इसी भक्ति लता का आश्रय ग्रहण करते हैं। यदि ये भक्ति लता को कौन आश्रय ग्रहण करते हैं, बोले सभी नहीं आश्रय ग्रहण करते हैं, बोले कौन आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसने महापुरुष कहते ना न धनम न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवतात् भक्ति आदि कोई कोई। महाप्रभु कहते हैं जो शुद्ध भक्ति लता को आश्रय क्या क्या चाहते हैं, वो धन जन पुत्र परिवार संसार की किसी चीज को वो नहीं चाहते हैं, केवल जीवन में भगवत भक्ति कैसे हो, भगवान के चरण में प्रेम कैसे बढ़े, केवल इसी चीज को ही अपना जीवन में सर्वस्व मान करके रखे। इसलिए भागवत में पितरा स्वरूप कहते हैं, अगर भक्त को बोले 100 गुण ज्यादा आनंद और उसको ऊपर में और 100 गुण ज्यादा आनंद, उसको ऊपर में और 100 गुण आनंद है। इसलिए बोले ननाक प्रेष्टम न च पार प्रेष्टम, कहते अगर तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, अरे चले जाओ ब्रह्मलोक में, चले जाओ ब्रह्मा जी आकर रहते हैं, परमेश्वर पद मतलब ब्रह्म पद को प्राप्त करो, ब्रह्म पद में कितना आनंद है, कितना परम आयु 107, अब ब्रह्मा का एक दिन में 100 गुण करते 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 वहाँ पर आनंद है। बोले वहाँ जाओगे, बोले नहीं हम वहाँ भी जाना नहीं चाहते हैं, बोले अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हो फिर इसकी रसातल में, जब ऊपर में जितना आनंद है ना, जब नीचे लोग उसका और ज्यादा आनंद रसातल में, बोले वहाँ जाओगे, बोले नहीं वहाँ भी नहीं जाना चाहते, बोले अगर वहाँ नहीं जाना चाहते मुक्ति ले लो, जो मुक्ति में जो आनंद है, जिसको अथाह आनंद है मुक्ति में, अथाह आनंद है, बोले मुक्ति चले जाओ, बोले नहीं नहीं हम मुक्ति जाना चले चाहते हैं, मुक्ति भी लेना नहीं चाहते, बोले फिर क्या चाहते हो,
बोले प्रभु दिन रात तेरे मिरर में, दिन रात तेरे चिंतन में ये मन को डुबा दूं, केवल तुम्हारी भक्ति प्रेम में इसी में ही डूबे रहूं। इसलिए यहाँ पर कहते जो ये लता को जो आश्रय ग्रहण करते हैं, कहते ये जगत का कौन आश्रय ग्रहण करते, जो इसी जगत का किसी वस्तु को जो नहीं चाहते, केवल एक मधुकर का भाती, केवल भगवत प्रेम ही जीवन का हमारा सर्वस्व, और जीवन में किसी चीज की हमारी जरूरत नहीं। भक्ति लता, इसी भक्ति लता का मूल प्राण ही निरंतर स्वाभिष्ट भगवान की अनुकूलमयी सेवा संपादन करना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भक्ति लता का जो मूल और जो प्राण किया है वो करते हैं क्या दिन भर, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, वो उत्तम भक्ति है हर समय हम भगवान को कैसे सुख, उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी, दिन भर ठाकुर का सेवा, ठाकुर को खिलाओ, ठाकुर को श्रृंगार करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को दीप का उनकी सेवा में उनको कैसे हम संतुष्ट करें, केवल उनके अंदर में एक ही भावना रहती है, हृदय में और कोई भावना रहती नहीं, केवल एक भावना और कोई भाव हृदय से सारे भाव को त्याग कर देते हैं। कभी यह अपने स्पर्श से पारसा मणि की भांति इंद्रिय वृत्ति को प्राकृतत्व लौहपण का क्रमश दूर करके चिन्मय स्वरूप परम विशुद्ध सुवर्ण रूपता को प्राप्त करा देती है। अगर ऐसे कोई भक्ति करेगा तो कहते उसका फल क्या है, जैसे पारसा पत्र सुना है ना, जो लोहे को भी सोना बना देती है, कहते उसी तरह हमारी इंद्रिय तो प्राकृतिक इंद्रिय जड़ इंद्रिय है, हमारी इंद्रियां जड़ और प्राकृतिक इंद्रिय है, कहते लेकिन जब धीरे 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 भक्ति करते ही भक्ति करते 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 देखना एक लोहे को आप जैसे आग में डाल, अब क्या होगा थोड़ी समय में देखना धीरे 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 जो लोहा है एकदम आग बन जाएगा, और उसको लेकर आप किसको चीज में लगाओ देखना उसको भी जला देगा। तो उसी तरह हमारी इंद्रियां तो प्राकृतिक इंद्रियां है, जड़ इंद्रिय हैं, लेकिन जो व्यक्ति नित्य निरंतर भगवान की भजन में भक्ति में तीन बार उसमें डूबे रहते हैं और उसके सिवाय कुछ भी नहीं जानती है, धीरे धीरे ये जो प्राकृतिक जो इंद्रिय है ना, हमारे प्राकृतिक जड़ इंद्रिय होने पर भी ये प्राकृतिक इंद्रिय में भी भगवत भक्ति रस का, भगवत प्रेम रस का इसमें भी संचार हो जाते हैं। एक दिन इसको क्या कर देता है, एक दिन ये शरीर को जैसे पारस पत्थर चुने पर जो सोना बना देती है, उसी तरह हमारे इंद्रियों को भी एक दिन दिव्य बना देती है। प्रभुपाद जी एक अच्छी बात कहते हैं, कहते जो शरीर है ना ये जड़त्व शरीर, जड़त्व शरीर मतलब होता है हम अंदर में बताओ क्या, अंदर में बताओ अगर इसका पेट फाड़ के रखते ना भाग जाए, अंदर में केवल टाटी पेशाब खून पी कर कुछ है, और ये शरीर किस चीज से बनी हुई, कहते बच्चे रचित ये अधम शरीर, गोस्वामी जी कहते हैं शरीर को अधम बताया, अतः मतलब तो बेकार है शरीर। अब सवेरे उठो आँख में भी बदबू है, नाक में भी बदबू, मुंह से भी बदबू निकलता है, कानों से भी, और गर्मी का समय देखना पसीना बहना शरीर से खुशबू निकलती है, अब भी बार लगने जा एकदम बढ़िया से सर दर्ज कर गया, लेकिन गर्मी में निकलो पाँच मिनट फिर क्या होगा, शरीर से फिर बदबू निकलना शुरू हो जाता है शरीर, और नीचे से बदबू तो निकलती है, नीचे बदबू बदबू निकलती है, लेकिन प्रभुपाद एक बात कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं भैया ये शरीर तो बेकार है, शरीर कुछ है नहीं बेकार है, अंदर में पी के है खून है टाटी पेशाब और कुछ है नहीं, लेकिन ये शरीर चरत तो बेकार होने पर भी, लेकिन इसी शरीर को द्वारा ही हम भगवान की साधन भजन करते हैं, ये शरीर को अगर भगवान की सेवा में भजन में लगा दो ना शरीर को,
काश ये बेकार होने पर भी एक दिन ये संधि से भगवत प्राप्ति हो जाता है, एक दिन भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति इसी संधि से हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया ये शरीर को जितना होना इसको रगड़ करके क्या कर, भगवान की भजन में लगा, भगवान की भक्ति में रगड़ करके भजन में लगा दो और इसी शरीर को दर एक दिन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विशुद्ध कहते फिर अंकुर रूप में प्रस्फुटित होकर के साधना भक्ति नामक दो प्रतियां पैदा होती है। इसलिए उदाहरण दिया हृदय हमारी खेती है, अगर उसमें अगर बीज बोगे तो बोले ये बीज क्या है, हृदय रूपी खेती में ये बीज क्या, बोले श्रद्धा ही ये इसका बीज, ये श्रद्धा इसका बीज है, श्रद्धा ये बीज है। अभी उसमें बीज जब बोगे फिर क्या होगा देखना, सबसे पहले एक अंकुर निकलेगा, उसको बाद में देखो उसमें दो तो फिर क्या है, तो उसमें पत्ते आए हैं, तो उसमें पत्ते आए। यदि दो पत्ते क्या चीज है, ये दो पत्ता क्या है, फिर हम उसको कल सुनेंगे ये दो पत्ता है क्या चीज, ये अंकुर क्या है, ये श्रद्धा क्या है, फिर धीरे 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 ये कैसे धीरे धीरे ऊपर में कैसे भक्ति कैसे बढ़ती है, फिर वो कहाँ तक जाती है, फिर हम उसको कल सुनेंगे ये क्या चीज है। ठीक है, गौर ब्रह्मानंद से सुनाएंगे।